नमस्कार, मैं हुतोशी और आप देख रहे हैं इंडिया का सबसे ट्रेंडीएस्ट चैनल trends9.com। तो आज के इस स्पेशल सेगमेंट व्हाट्स ट्रेंडिंग में सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग खबर से। वेल, आज जो है धर्मेंद्र जी यानी कि ही मैन ऑफ इंडिया का है 88th बर्थडे। काफ़ी जनरेशन्स बीत गए लेकिन धर्मेंद्र जी का एरा जो है वो आज भी चल रहा है। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं तो स्क्रीन पर मानो चार चांद लग जाते हैं। हाल फिलहाल में मूवी रॉकी और रानी में उन्होंने दिया ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और उनकी स्क्रीन पर ऑन स्क्रीन पर जो किस थी वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट बटोर रही थी। वेल, धर्मेंद्र जी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ और हम चाहते हैं कि सिर्फ 88 ईयर्स ही नहीं बल्कि वो अगले 88 ईयर्स भी इंडियन सिनेमा पर इसी तरह से राज करते रहे। वेल, आज एक और खूबसूरत अदाकारा का जन्मदिन है जो है शर्मिला टैगोर जी। जी हाँ, वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर जी जो सैफ अली खान की मदर भी है, उनका आज है 79th बर्थडे। हाँ, आज के ज़माने में एक्ट्रेसेस बिकिनीज पहन करके स्क्रीन पर आती हैं। वेल, शर्मिला टैगोर जी ने इस चीज़ को अपने टाइम में ही तोड़ दिया था और दिखाया था कि किस खूबसूरत अंदाज से अगर आप स्विम सूट पहनना चाहते हैं तो किस ग्रेस के साथ आप उस ज़माने में भी पहन सकते थे। तो शर्मिला टैगोर जी को हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे आज की दो ऐसी ट्रेंडिंग खबरें जो कि आज सुबह से लेकर शाम तक ट्रेंड करने ही वाली हैं, क्योंकि धर्मेंद्र जी और शर्मिला जी जो हैं वो पूरे भारत के फेवरेट्स हैं। तो हर कोई उनको उनके ट्विटर अकाउंट पर और इंस्टाग्राम पर ढेर सारी विशेस भेजिए और विश करिए हैप्पी बर्थडे। वेल, अब हम आ जाते हैं अगली ट्रेंडिंग खबर पर। वेल, आज फ्राइडे है और आज आता है इसके साथ साथ वीकेंड यानी कि सैटरडे और संडे, और OTT पर जनरली रिलीज होती हैं काफ़ी सारी नई चीज़ें जिन्हें लोग बिंज वॉच करते हैं। तो अब हम आपको कुछ रिकमेंडेशंस देंगे जो कि आप इस वीकेंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ या फिर अकेले बिंज वॉच कर सकते हैं। वेल, सबसे पहली मेरी रिकमेंडेशन है रेलवे मैन। जी हाँ, नेटफ्लिक्स पर हाल फिलहाल में ये सीरीज रिलीज हुई जो कि डेट बैक करती है भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी पर। वेल, सिर्फ 4 एपिसोड की ये सीरीज है तो एक साथ तो बिंज वॉच की जा सकती है। वेल, मेरी तरफ से तो इसे 10 में से 9 स्टार्स मिलेंगे। बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया है कि किस तरीके से रेलवे मैन ने उस गैस ट्रेजेडी में अपनी हिस्सेदारी निभाई। अगली रिकमेंडेशन है मेरी पंकज त्रिपाठी स्टारर कड़क सिंह। जी हाँ, ये पिक्चर भी अब रिलीज हो चुकी है तो अगर आप पंकज त्रिपाठी फैन हैं तो ये देखना तो बनता ही बनता है। वही अगली रिकमेंडेशन जो मेरी आने वाली है उसके बारे में तो हर कोई चर्चा कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ आर्चीज़ की। तो आर्चीज़ 7 दिसंबर को रिलीज़ हो चुकी है। अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। मैंने तो देख ली है, चाहे वो सुहाना खान हो या फिर अगस्त्य नंदा हो या फिर खुशी कपूर या फिर और किड्स। इस मूवी में जो है ज़ोया अख्तर की इस पिक्चर ने जो है काफ़ी ज़्यादा धमाल ऑलरेडी मचा दिया है एंड इट इज़ अ मस्ट वॉच स्पेशली फॉर ऑल दी आर्चीज़ लवर्स। अगली ट्रेंडिंग खबर आ रही है टेक्नोलॉजी जगत से। जी हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि अब लगने वाली है गैजेट्स होम अप्लायंसेस पर कड़ी सेल यानी कि 2023 की आखिरी सेल। तो 21 दिसंबर से सेल की शुरुआत होगी जो कि चलेगी 23 दिसंबर तक। वहीं उसके बाद जो है 25 दिसंबर को लगेगी क्रिसमस पर स्पेशल सेल और उसके बाद लगेगी ईयर एंडर सेल जो कि 28 दिसंबर तक रहेगी। तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन जो हैं टेक गैजेट्स पर लाने वाले हैं भारी छूट। तो इस साल अगर अभी तक आपने अपना मोबाइल फ़ोन नहीं बदला है तो ये काफ़ी अच्छा मौका है। पर आज के ज़माने में अगर कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंड करती है वो करती है इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो वायरल वीडियोस हो, वायरल रील्स हो या फिर सेलिब्रिटी एंगेजमेंट्स। हर कोई इंस्टाग्राम पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखता है, साथ साथ अपनी वीडियोज़ और फोटोज़ को ज़रूर डालता है। वेल, अब इंस्टाग्राम का एक नया फीचर आ गया। अभी तक हम लोग कोई भी पोस्ट या फिर वीडियो शेयर करते थे तो जनरली उसमें हैशटैग्स लगाते थे, यानी कि हैशटैग रील, हैशटैग एक्सप्लोर, इस तरीके के हैशटैग्स लगाते थे जो कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के साथ काम करते थे। लेकिन अब इंस्टाग्राम ने एक अपडेट दी है कि आपको हैशटैग्स लगाने के साथ साथ अब कीवर्ड्स भी डालने होंगे। तो कीवर्ड्स जैसे कि हम यूट्यूब या फिर अन्य प्लेटफॉर्म्स में यूज़ करते हैं जैसे कि गूगल, तो अब इंस्टाग्राम भी हैशटैग्स के साथ साथ कीवर्ड्स के बाद काम करेगा। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर कोई भी इंस्टाग्राम अब चलाता है तो कुछ भी पोस्ट करने से पहले अपने कीवर्ड्स को ध्यान से डालिएगा।
वेल, हर साल के अंत में काफ़ी सारी लिस्ट आ जाती हैं और हाल फिलहाल में मोस्ट पावरफुल वुमेन 2023 की लिस्ट रिलीज़ हुई है जो कि फोर्ब्स की तरफ से आई है। और इस बार काफ़ी सारी इंडियन वुमेन हैं जिन्होंने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है और भारत से निर्मला सीतारमन को मिला है 32nd स्पॉट। तो वो बन गई हैं भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की 32nd मोस्ट पावरफुल वुमेन। तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व वाली बात है। वहीं अगर बात करें कि इस साल सबसे ज़्यादा सर्च किसको किया गया, यानी कि टॉप सर्च पर्सनालिटी ऑन गूगल, वेल आप शॉक हो जाएंगे कि इस साल मेसी या फिर रोनाल्डो नहीं बल्कि टेलर स्विफ्ट रही है सबसे ज़्यादा सर्च में। जी हाँ, इस साल टॉप नंबर पर ये पोजीशन जो है वो टेलर स्विफ्ट के नाम रही है। तो टेलर स्विफ्ट के जितने भी फैंस हैं उन्होंने उनको इस साल काफ़ी ज़्यादा गूगल किया है या फिर उनके गानों को काफ़ी ज़्यादा गूगल किया है और इसीलिए वो बन गई हैं इस साल की मोस्ट सर्च पर्सनैलिटी। वही अगली चीज़ जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है फिलहाल में वो है फाइटर मूवी का ट्रेलर। जी हाँ, फाइटर मूवी जिसमें ऋतिक रोशन और साथ साथ दीपिका पादुकोण मेन लीड में है, वहीं अनिल कपूर भी इस पिक्चर में नजर आएंगे। तो इसका ट्रेलर जो है वो रिलीज़ हुआ है। पिक्चर जो है वो अगले साल जनवरी में 2024 में रिलीज़ होगी, लेकिन इस समय ये ट्रेलर जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये पिक्चर तोड़ेगी एनिमल, पठान जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स, या हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। वहीं अगर आपको ऐसी ही और ट्रेंडिंग खबरें, चाहे वो टेक्नोलॉजी, ट्रैवल से रिलेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो, लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, उसके लिए आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट trends9.com पर लॉग इन करना है और हमारा एक यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि सारे अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। तो आज के सेगमेंट की आखिरी खबर आ रही है बिहार से। बिहार इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेंड में चल रहा है और इस बार वो ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि बिहार में ईवी पॉलिसी, काफ़ी सारे स्टेट्स जो हैं अपनी अपनी ईवी पॉलिसी जो है उसको लेकर के आ रहे हैं और इस बार बिहार ने भी अपनी ईवी पॉलिसी जो है वो सामने रख दी है। और इस पॉलिसी में ऐसा भी है कि अगर आप पहली बार ईवी गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 1,25,000 तक की छूट मिल सकती है और इसमें काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट trends9.com पर जा सकते हैं और डिटेल में खबर पढ़ सकते हैं।